नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका, बात कर रहा हूँ रेलवे NTPC CVT 1 एग्जाम्स के बाद CVT 2 एग्ज़ाम हेतु जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत से सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं। उनमें से जो एक मुख्य सवाल है, कट ऑफ किस प्रकार तय की गई है। अब बहुत से लेवल में बहुत से कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या रही। जैसे किसी कैंडिडेट का लेवल 5 में सिलेक्शन हो गया। अब लेवल 5 में 3 से 4 5 पोस्टें हैं, टोटल जो 13 पोस्ट वो अलग अलग लेवल में विभाजित हैं। तो लेवल 5 में मान लेते हैं 3 से 4 पोस्टें हैं। अब स्टूडेंट हैं इन सभी पोस्ट की, ये जो मैं पोस्टें बता रहा हूँ टोटल 13 पोस्टें हैं, प्रत्येक RRB किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सभी 13 पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ गई है। अब किसी कैंडिडेट का सारे लेवल में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बावजूद भी वो कुछ पोस्ट के लिए एक तरीके से एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो कट ऑफ से उनके अंक कम आ रहे हैं अलग अलग पोस्ट की कट ऑफ से। लेवल अलग मुद्दा है और प्रत्येक पोस्ट की कट ऑफ किस प्रकार अलग गई है। तो सिलेक्शन होने के बावजूद भी आपको कैसे नुकसान हो रहा है CBT 1 में, इसको एक तरीके से क्वालिफाई नेचर का रखना चाहिए। जब रेलवे बता रहा है कि आपकी फाइनल कट ऑफ है CBT 2 के स्कोर के बेस पर होने वाली है, तो CBT 1 में ही क्यों किसी काफ़ी स्टूडेंट को अलग अलग पोस्ट से वंचित किया जा रहा है, किस प्रकार मैं बताने वाला हूँ। देखिए, कहने को तो रेलवे बता रहा है, द कैंडिडेट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड एज पर द मेरिट इन फर्स्ट स्टेज CBT ड्यूली कंसिडर्ड देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट। अब उनकी जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, उन्होंने प्राथमिकता दी है, फॉर्म भरा है उस समय, उसके अकॉर्डिंग है वो कंसिडर किया गया है। लेकिन CBT 1 में उनकी वरीयता कंसिडर करने का क्या मतलब हो गया, जब रेलवे बता रहा है कि CBT 2 में ये जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। CBT 2 के बाद आपकी वरीयता के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, उसके बाद मेडिकल होने वाला है, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब मान लेते हैं कुछ कैंडिडेट हैं वो पहले से ही बाहर हो जाते हैं और फिर यहाँ पर उनको ऐसी पोस्ट के लिए मान्य किया जाता है, वो कट ऑफ की श्रेणी में आते हैं, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड उनसे मैच ही नहीं कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली पोस्ट वहाँ पर खाली भी रह सकती है, तो इससे नुकसान हो रहा है। अब रेलवे ने क्यों यहाँ पर लेवल वाइज की, वो है दोस्तों मुद्दा डिफिकल्टी लेवल का। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें 12th की पोस्ट भी थी और ग्रेजुएट की पोस्ट भी थी। अब लेवल वाइज करने का मतलब है, रेलवे बता रहा है कि 12th वाले और ग्रेजुएट वाले हैं, इन सभी की अलग अलग पोस्ट रहती हैं, इनका डिफिकल्टी लेवल इस तरह अलग होगा। यदि वो लेवल वाइज नहीं करते तो फिर CBT 1 ही एग्जाम कराना था उनको, ठीक है, इसलिए वो लेवल वाइज कर रहे हैं, तो ये तो बात सही है। CBT 2 करा ही इसलिए रहे हैं ताकि सभी अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के आधार पर अलग अलग एग्जाम हो, इसलिए CBT 2 हो रहा है। CBT 1 सभी के लिए कॉमन था, तो CBT 2 में इन्होंने लेवल वाइज रिजल्ट इसलिए जारी किया क्योंकि एक लेवल की जो एक प्रकार का ग्रेड भी है, और जैसे कि ये 12th लेवल की पोस्टें हैं, तो एक लेवल की पोस्ट में एक ही तो एग्जाम होगा, एक ही डिफिकल्टी लेवल रखा जाएगा। सो उन्होंने क्या किया, लेवल वाइज यदि आप बहुत से कैंडिडेट हैं, ऐसा मत सोच लेना कि किसी भी कैंडिडेट का यदि लेवल 2 में सिलेक्शन हो रहा तो लेवल 2 की सभी पोस्ट में हो रहा, नहीं हो रहा है। तो पोस्टों की कट ऑफ अलग अलग है, इसका मतलब आपका सभी पोस्ट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, हो जाएगा यदि आपकी कट ऑफ है वो सभी में, जितनी भी कट ऑफ रही उससे ज़्यादा तो सभी में हो जाएगा, और उससे किसी पोस्ट की कट ऑफ है ज़्यादा है आपका स्कोर, दूसरी कोई पोस्ट है उसमें मिल रहा है लेकिन इसकी ज़्यादा तो आपका नहीं हो रहा, तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं रहेगी। पहले से ही एक तरीके से CBT 1 में ही ये पोस्ट से आपको बाहर किया जा रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ गई। वो भी बताने वाला हूँ किस प्रकार रेलवे ने ये कट ऑफ जारी की है, और इसमें कहने को तो कि प्रायोरिटी प्राथमिकता दी गई स्टूडेंट की वरीयता जो फॉर्म में फिल की, लेकिन वो प्राथमिकता एक तरीके से निराधार सी लगती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा वीडियो कंटिन्यू करें, उससे पहले जिनका भी सिलेक्शन हो गया है कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, जो भी पोस्ट हैं वो अच्छा यहाँ पर आपकी तैयारी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी तैयारी में 4 चांद लगाइएगा, प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अब की बार सवाल बढ़े हैं तो टाइम तो वही है, टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है स्पेशल मैथ वगैरह में। और इससे ये भी पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन वीक है। अभी तक आपने मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो टेस्ट बुक से आज ही कर लीजिएगा, और TTG के कूपन कोड से आप मैक्सिमम 60 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। ये 1 साल की वैलिडिटी है और सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल रहे हैं, चाहे आप अदर SSC की भी तैयारी करते हो, ग्रुप D किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एक ही पास में आपको इस कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट। टेस्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहता है, ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो अपन दोस्तों बात कर रहे थे डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग एग्जाम हो रहा है, बहुत से कैंडिडेट हैं सभी लेवल में सिलेक्शन हुए हैं, उसके बावजूद भी कुछ पोस्ट से वंचित हो सकता है, वो थोड़ा मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर, और बाद में बात करेंगे रेलवे ने कैसे कट ऑफ जारी की है और इससे कैसे स्टूडेंट को सिलेक्शन हो रखा है, उनको नुकसान होने की संभावना है। तो ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ किस प्रकार ये मुद्दा चल रहा है।
आपके दिमाग में है। तो ये मैं लेवल भोपाल की किसी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये भोपाल की है, जिसमें कंबाइंड जो सभी लेवल के अलग अलग आप देख सकते हो पोस्ट वाइज कट ऑफ, जैसे गुड्स गार्ड की ये तो लेवल तो तीन, ये कौन सा लेवल है, पाँच वाला, तो लेवल तो पाँच ही है, लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरी गुड्स गार्ड की अलग कट ऑफ गई है, ठीक है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर कलर के लगभग सभी RRB में लेवल फाइव की कट ऑफ है वो कम गई है। लेवल फाइव की कट ऑफ में मेरा मतलब है कि अलग अलग पोस्टों की जो कट ऑफ रहती है ना, लेवल छः की उसमें अलग पोस्ट की कट ऑफ है, तो लेवल फाइव वाली जो किसी एक पोस्ट की कट ऑफ है वो सबसे कम देखने को मिली है। और देखिए यहाँ पर लेवल फाइव में काफ़ी वैकेंसी थी, तो ये कारण है। तो अन रिजर्व में आप देख रहे होंगे, मैं एक तरीके से EWS का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब EWS में ये जो पहली वाली पोस्ट है जो थी गुड्स गार्ड की, अब गुड्स गार्ड में ये 64% जो मार्क्स आ रहा है वो पास है, और ये देखिए लेवल पाँच की ये सारी पोस्ट है। अब लेवल पाँच में किसी कैंडिडेट के 49 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो इसके लिए तो होगा ही नहीं, उनको पहले ही 49 नंबर आ रहे हैं। तो पोस्ट की प्रत्येक पोस्ट की कट ऑफ निकलने का ही मतलब ये हो गया कि आप केवल इसी पोस्ट में आ रहे हैं, आपके 49 आ रहे हैं, तो ये इसमें एलिजिबल है, साथ ही साथ इसमें भी, क्योंकि 48 है तो ये भी आपके ज़्यादा स्कोर है, जिन दोनों के लिए उस लेवल में 55 है तो इसमें भी नहीं, यदि आपके 70 आ रहे हैं तो इन चारों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका स्कोर कम हो रहा है, यानी एक ही पोस्ट उनको दिख रही है, तो हो सकता है एक और लेवल में आपका स्कोर लेवल फाइव है उनसे तो ज़्यादा ही सभी की कट ऑफ रहती है, तो लेवल फाइव में जिनका हो रहा है हो सकता है केवल उनका लेवल फाइव में भी हो, यदि अलग लेवल में नहीं उनका कम स्कोर हो रहा है तो दूसरे में यदि कट ऑफ कम रही है तो ज़रूर उसमें भी उनका नाम आया होगा। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है जिनका स्कोर कम है, यानी वो टॉपर में नहीं है, थोड़े नीचे हैं, तो उनको सारी पोस्टें पहले से ही उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इसका मतलब CV2 का स्कोर का मतलब ही क्या हुआ जब उनके लिए बाकी विकल्प अभी रही नहीं है। तो ये थोड़ा रेलवे को क्लारीफाई करने की ज़रूरत है कि लेवल एक ही लेवल में स्टूडेंट को पास करें तो क्या उनके लिए सभी पोस्ट है, यदि सभी पोस्ट है तो इनको अलग अलग कट ऑफ जारी करने का क्या मतलब हुआ है। तो क्योंकि स्टूडेंट का भी स्कोर कार्ड आ गया है जिसमें आपको सारी डिटेल मिल रही है, उस स्कोर कार्ड में आपने ये भी देखा होगा आपकी जो ये पोस्ट प्रेफरेंस है ये NWR, NWR2, NWR3, 4, 5, ये स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल ईजी मैं बता देता हूँ जिनको पता नहीं है। तो ये आप देख सकते हो जो वैकेंसी टेबल है उसमें आपके सामने कैटेगरी नंबर है जो आपकी वरीयता वहाँ पर दिख रही है, जैसे कैटेगरी नंबर ए को किसी ने वरीयता दी है तो एक में एक प्रकार का ही रेलवे है, WCR है जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे है। उसके बाद यदि किसी ने दो नंबर कैटेगरी है तो उसमें भी एक प्रकार का WCR है, तो एक की प्राथमिकता पहले है तो एक WCR, उसके बाद दो WCR, फिर कैटेगरी नंबर तीन में दो रेलवे, WCR भी है, वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल भी है, तो इनमें से आपको दो अलग अलग प्राथमिकता हो सकता है। आपने तीन में WCR को पहले प्राथमिकता दी और WR को बाद में देने का सोचा, और आपने उसके बाद चार में WCR को प्राथमिकता दी, फिर आपने सोचा कि मैं तीन वाले WR को प्राथमिकता दे दूं, तो ये सारा इस प्रकार से आप वरीयता दी है जो आपके रिजल्ट में भी शो कर रहा है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको आपको पता चल गया है कि कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जब CVT फर्स्ट में ही आपकी कट ऑफ है अलग पोस्ट के लिए ज़्यादा उसमें नहीं आ रहे हो तो वो प्रॉब्लम, ये प्रत्येक RRB का है, ये ऐसा नहीं कि भोपाल की, सभी RRB में इस टाइप से प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ गई है। तो लेवल का मतलब जो स्टूडेंट बता रहे हैं कि एक ही लेवल में काफ़ी स्टूडेंट हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये बात है 20 गुना वाली जो बात है, 20 गुना पास करने चाहिए, तो उन्होंने लेवल वाइज 20 गुना किए हैं, और लेवल वाइज भी एक कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, तो लेकिन लेवल वाइज इसलिए किए कि उनको ऐसा तो है नहीं कि टोटल 13 प्रकार की पोस्ट 13 एग्जाम देने होंगे, तो एक लेवल की पोस्ट हैं उनका एक ही एग्जाम होगा, तो लेवल वाइज का मतलब ये है कोई कैंडिडेट 3 लेवल में हुआ तो उनका 3 एग्जाम होने वाला है, ठीक है, कोई एक में होता उनका एक ही एग्जाम होगा, तो इसलिए थोड़ा ये पेपर कितने होंगे हैं उसके अकॉर्डिंग और CPC कितना ग्रेड पे है, कौन से ग्रेड पे में कौन सी वैकेंसी, अब लेवल वाइज इन्होंने कट ऑफ तो तय नहीं किए लेकिन कैटेगरी वाइज जरूर इनकी कट ऑफ यहां पर आप देख सकते हो, तो पहले से ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं वो देखते हैं। अब रेलवे दोस्तों किस प्रकार से कट ऑफ तय की है वो देखते हैं, मान लेते हैं अब रेलवे ऐसे कि मेरे अकॉर्डिंग आप बता देना, बाकी थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि आपको इस प्रकार से समझ नहीं आ रहा तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है किस प्रकार तय की गई है, क्योंकि जो रेलवे यहाँ पर बता रहा है कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस देखी गई, यदि शुरुआत से ही पोस्ट प्रेफरेंस देख ले स्टूडेंट की तो फिर यहाँ पर एक कैंडिडेट को अलग अलग लेवल में पास करने की क्या ज़रूरत है, तो CBT फर्स्ट में इसीलिए एक कैंडिडेट को अलग अलग लेवल में रखा गया है ताकि उनके जो टॉप स्टूडेंट है टॉपर है उनको कोई नुकसान ना हो, टॉपर है टॉपर ही तो रेलवे को चाहिए, कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट रहती हैं उनको क्या चाहिए, टॉपर चाहिए, जो ज़्यादा
इंटेलिजेंस है वो स्टूडेंट चाहिए, तो टॉपर को कोई नुकसान ना हो। तो रेलवे ने क्या किया, जैसे कि ये एक पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस की, एक पोस्ट आई थी, अब रेलवे के पास लिस्ट है, जैसे भोपाल है तो भोपाल का जो भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है वो टॉपर सहित लिस्ट, यानी एक नंबर प्रथम रैंक पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे। अब रेलवे क्या कर रहा है कि प्रथम रैंक वाले को देख रहा है, अब प्रथम रैंक है उनको नुकसान ना हो तो सबसे पहले तो उनको ले लीजिए सारी पोस्टों में, 13 प्रकार की है, किसी भोपाल मान लो 13 नहीं है, कोई भी पोस्ट की वैकेंसी नहीं रही होगी, तो सारे जो पोस्ट हैं जो टॉपर है टॉपर को तो लेना होगा। जैसे एक है तो रेलवे बोला 20 गुणा किया, मान लेते ही 20 गुणा कर दिया, यानी 20 कैंडिडेट यहाँ पर पास कर दी। अब 20 कैंडिडेट हैं इस वाली पोस्ट में आ गए, अब रेलवे देख रहा है इसके बाद सबसे कम वैकेंसी कौन सी है, जो भी आपको सबसे कम दिखाई दे, जैसे मेरे को यहाँ पर 14 दिखाई दे रही है, अब रेलवे को चाहिए यहाँ पर भी 20 गुणा, तो यहाँ पर 20 करेगा, 14 × 28 यानी 280 कैंडिडेट यहाँ पर रेलवे को चाहिए। अब रेलवे ने पहले ही यहाँ पर इस प्रकार से बता रहा है लेवल वाइज जो इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए वो इस प्रकार इन्होंने किया होगा कि 20 कैंडिडेट हैं, इनको कोई नुकसान ना हो, ये सारी पोस्टों में एक बार आ जाने चाहिए, इसलिए तो कैंडिडेट रिपीट हो रहे हैं, तो ये सारी पोस्टों में आ जाने चाहिए। 20 कैंडिडेट हैं जो कि सबसे कम वैकेंसी में जब कोई कैंडिडेट फाइट कर पास कर जाता है तो वो एक तरीके से उनका वो टॉपर हो गए। तो अब 20 कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएंगे तो एक तरीके से नए कैंडिडेट 280 में से कितने आए, तो आप कहेंगे 260, वो भी अच्छे स्कोर वाले ही रहे होंगे, नेक्स्ट 260 वाले, एक से 20 तक है उसके बाद 260 है। अब यहाँ पर ये 20 रिपीट हो गए, कहने को तो 20 गुणा है लेकिन यहाँ पर तो ये 20 कैंडिडेट क्या हो गए, रिपीट हो गए जो यहीं पर थे। अब 260 है, ये नए कैंडिडेट आ गए एक तरीके से। अब उसके बाद देखिएगा कम किसकी है, तो आप कहेंगे ये 21 वाली है, तो वो 21 गुणा 20 करेगा। अब इसमें भी थोड़ा और झमेला रहता है, कैटेगरी वाइज भी इनको देखना पड़ता है और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार ये टोटल से आप समझने की कोशिश की, बाद में इसके अंदर ये करते हैं। तो 21 × 20 वो पूरा सॉफ्टवेयर शो होता है, उनको कोई ज्यादा इशू नहीं, 21 × 20 यानी कितने हो गए आपके 42, 420 हो गए। अब जो 420 हैं इनमें से आप देखेंगे ऑलरेडी 20 कैंडिडेट पहले वाले आ गए हैं, 420 में से 20 कैंडिडेट कौन से, ये वाले आ गए हैं। उसके बाद 260 कैंडिडेट जो नए वाले हैं ना वो इसमें भी आएंगे क्योंकि टॉपर है तो इसमें भी जाने चाहिए, 260 ये आ गए। अब 260 + 20 यानी 280, अब 420 में से 280 तो आ गए और नेक्स्ट कैंडिडेट वो नए कैंडिडेट होंगे, तो कहने को 420 है लेकिन बार बार यही रिपीट हो रहे हैं और कुछ बच रहे हैं वो नए कैंडिडेट ऐड होते जा रहे हैं। इस प्रकार ये सारी पोस्टों को फिल कर रहा है, तो यहाँ पर जो पोस्ट सबसे कम है उसकी कट ऑफ तो ज़्यादा चली ही गई है क्योंकि सबसे कम वाली पोस्ट में जो टॉपर तो सबसे पहले आ जाएंगे उस पोस्ट में, इसीलिए जो सबसे कम पोस्ट है तो प्राथमिकता रेलवे ने अभी स्टूडेंट की क्या प्रायोरिटी रही है वो रेलवे सीबीटी फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। अब हो क्या रहा है दोस्तों कि बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं जिसमें सीबीटी फर्स्ट में ही स्टूडेंट बाहर हो रहे, सिलेक्शन तो हो रहा उसका एक लेवल से। अब रेलवे ने क्या किया, जैसे टॉप कैंडिडेट है वो सभी पोस्ट में, जैसे ये 20 वाले कैंडिडेट सभी में आ गए, ठीक है, तो इसमें भी 114 में ये 20 कैंडिडेट इसमें भी सम्मिलित हैं। और फिर रेलवे कर रहा है लेवल को, अब एक लेवल ले लिया, अब लेवल 6 ले लिया रेलवे ने कि लेवल 6 में कितने स्टूडेंट पास किए हैं, तो वैकेंसी है और उसका जो ये टोटल 20 का मल्टीप्लाई कर रहा है, चाहे इसमें रिपीट क्यों ना हो रहे हो, वो रेलवे ने यहाँ पर कैंडिडेट का अब नहीं बताएं कि वो कौन सी पोस्ट में है, रेलवे बता रहे कि आप इस लेवल में हो सिलेक्टेड, ये नहीं बता रहे उस लेवल में कौन सी पोस्ट में, वो अपने आपको पता चल गया रेलवे नहीं बता, लेकिन आपको पता चल गया आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि सभी कट ऑफ तो रेलवे ने बता दिए सभी पोस्ट की, तो आपको पता चल गया है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो यहां से रेलवे को थोड़ा क्लारीफाई करना चाहिए कि जो लेवल वाइज यहां पर कट ऑफ है स्टूडेंट को और जो स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स आ रहे हैं, जो कट ऑफ मैच करने पर काफ़ी लेवल में जो पोस्टें रहती हैं उनसे स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या ये सीबीटी फर्स्ट में ही इस प्रकार हो रहा है, तो सीबीटी टू में जो बता रहा है फाइनल मेरिट उसके अकॉर्डिंग रहेगी, तो पहले से स्टूडेंट को किसी पोस्ट से बाहर किया जा रहा है, तो फिर सीबीटी टू में अपने आप में काफ़ी वैकेंसी है, वो मेडिकल वाला भी इश्यू क्रिएट होगा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्राथमिकता मेडिकल के अकॉर्डिंग दी है, उनका जो आई विजन स्पेशल रेलवे में रहता है अलग अलग पोस्ट के लिए, A2, B2, ये A3 वाला, तो हो सकता है कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो स्टूडेंट ने प्रथम प्राथमिकता रखी है और उनको यहाँ पर पहले से ही बार कर दिया है सीबीटी फर्स्ट में भी, कि उन्होंने इसलिए रखी कि उनके आई विजन के अकॉर्डिंग वो पोस्ट उनके लिए फिट हो रही है। अब मान लेते हैं स्टूडेंट के सीबीटी फर्स्ट में थोड़ा कम स्कोर आया और किसी एक पोस्ट के लिए वो सिलेक्शन हो भी गया है लेकिन उसका आई विजन अलग टाइप से, तो रेलवे वो फिर सीबीटी टू की तैयारी भी कर रहे हैं उसके बावजूद उनको लग रहा है भाई मेरा आई विजन इसमें फिट हो नहीं रहा है, तो इसको भी रेलवे को थोड़ा क्लारीफाई करना चाहिए जिस प्रकार रेलवे ने रिजल्ट को क्लारीफाई किया है। अभी जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी, ये मुद्दा जिनका सिलेक्शन हो गया है आपके दिमाग में भी पता चल गया है कि किस प्रकार से स्टूडेंट के साथ में यहाँ पर
सीबीटी फर्स्ट में ही ये इश्यू क्रिएट हो रहा है, तो स्क्रीनिंग का क्या ही मतलब हो गया फिर। तो इस प्रकार आपने देखा कि सभी पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ है। किसी कैंडिडेट का ओबीसी में मान लेते हैं 70 नंबर है, तो इस वाली पोस्ट के लिए वो सिलेक्टेड है लेकिन इस वाली के लिए नहीं है, इस वाली के लिए है ये 70 है लेकिन इस वाली के लिए नहीं है, तो ऑलरेडी वो दो पोस्ट के लिए, हो सकता है किसी और लेवल में उनके 70 है तो किसी में और लेवल में कम है तो उसमें भी वो सिलेक्टेड हो जाए, तो दो तीन कहने को परीक्षा हो रही है लेकिन वो सभी पोस्ट में एक तरीके से नहीं जा पा रहा है। यदि मान लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कि भाई जो लेवल पाँच, मैं एक आपके अकॉर्डिंग सोचता हूँ कि बहुत से कैंडिडेट जिनको पता नहीं वो इस प्रकार सोच रहे कि लेवल पाँच को सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल है, जब सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल उनको मान रहे हैं तो ये लेवल वाइज उनको कट ऑफ देनी चाहिए, पोस्ट वाइज देने की क्यों ज़रूरत है, सभी के लिए नहीं है इसलिए तो ये पोस्ट वाइज जब 57-74 नंबर आ रहे हैं एक तरीके से वो टॉपर से ही ले रहे हैं, तो बाकी बचे हुए कैंडिडेट हैं वो जो नीचे चले जाएंगे, एक पोस्ट उनके लिए गायब हो रही है, जब सभी के लिए है तो कट ऑफ अलग अलग देने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि फिर अब देखेंगे आप कहेंगे पोस्टें खाली रह जाएगी, तो ये फिर उनके मेडिकल पर डिपेंड रहता है, पोस्टें खाली भी रहती है फिर रिवाइज्ड वो उनका आता रहता रिजल्ट, तो मेडिकल में भी देखा जाएगा कि यदि कोई मेडिकल में उस कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रहे हैं तो फिर वो तो वैकेंट रहनी है, क्योंकि उन्होंने मेडिकल के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी लेकिन हुआ क्या कि जो पहले से ही उनको बाहर कर दिया गया सीबीटी फर्स्ट में ही उनकी कट ऑफ पार नहीं हुई है, टॉपर वाले एक तरीके से सभी में आ ही गए हैं, तो कई कुछ पोस्टों में जो सबसे कम वैकेंसी रही होगी उसमें टॉपर ऑलरेडी आ गया है और टॉपर को तो फिर सीबीटी सेकेंड में उनको टॉप करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उनको वरीयता दी जाएगी, चाहे अभी उनके लिए सारी पोस्टें हो गई हैं और फिर सीबीटी सेकेंड के आधार पर उनको वरीयता दी जाएगी, जो भी आपकी अभी पोस्ट मिली है अकॉर्डिंग टू जो जारी किया है रिजल्ट, इसके अनुसार बता रहा हूँ, अभी रेलवे क्लारीफाई कर देगा तो पता चल जाएगा किस प्रकार से ये रेलवे ने लेवल वाइज कट ऑफ तैयार करके स्टूडेंट को, अब लेवल वाइज करने का मतलब रेलवे का ये है कि कितने वो एग्जाम देगा जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो कट ऑफ किस प्रकार से डिसाइड हुई है ये भी बता दिया है और इसके अब ये भी आपको पता चल जाए किस प्रकार से स्टूडेंट रिपीट हुआ, तो इसी वीडियो मैंने आपको बता दिया है वही सेम 20 वाले कैंडिडेट हैं इसमें भी आ रहे हैं, सारों में आ रहे हैं और जो बच जाते हैं वो नए कैंडिडेट आते हैं, इस प्रकार से टोटल 20 गुणा है वो एक पोस्ट के लिए हो रहा लेकिन बार बार रिपीट किया जा रहा है। इसके बावजूद आपके दिमाग में डाउट रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक सर्वे की लिंक मिलने वाली है, सर्वे में जिनका भी सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं भी हुआ है वो सभी पार्टिसिपेट इसमें आपको करना है, इससे क्या है थोड़ा पता करते हैं कि किस प्रकार से पेपर का लेवल डिफिकल्टी लेवल है और सारे पेपर जो नए वाले पेपर अब की बार अपलोड हुए हैं अपडेटेड आंसर की वाले वो भी आपके सामने आने वाले हैं, तो ये आप थोड़ा सर्वे फॉर्म अपना नाम है उसके बाद आपको कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था ज़रूर डालिएगा, कौन सी डेट को था और फिर आपके कौन सी जोन से था और कितना स्कोर हो रहा है वो डालिएगा, और ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपकी जो अपडेटेड प्रश्न पत्र है आपने रिजल्ट देखा है तो नई आंसर की आपके लिए सामने आई होगी प्रश्न पत्र वो डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर अपलोड कीजिएगा ताकि जो अपडेटेड क्वेश्चंस पेपर है सारे शिफ्ट के एक साथ है वो पीडीएफ फाइल आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाए, तो ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपकी सर्वे फॉर्म की लिंक है, इससे ये भी तय होगा कौन सी मार्क्स नॉर्मलाइज होने के बाद, इसमें नॉर्मलाइज स्कोर भी मांगा गया है, नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट का स्कोर सबसे ज्यादा हुआ है इसका मतलब वो शिफ्ट क्या हार्ड रही होगी तो उसमें किस प्रकार प्रश्न थे हार्ड शिफ्ट वो भी आपको थोड़ा मैं बता दूंगा एनालिसिस करके, तो ये सर्वे में जरूर पार्टिसिपेट करना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक एनटीपीसी हो गया ग्रुप डी हो गया उनके लिए मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो वो टेस्ट बुक से आप लगेगा टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नए अपडेट के साथ, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।